अभी तो बच्चा है। प्यारोढुम क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तो यध्यानगम, ऐसा है निकुंज। क्षमता नहीं है इन महापुरुषों की कि भी हमारी प्यारी जू के निज महल को ध्यान में रख लें। वृंदावन द्वितीय पत्र की उपमा को कछुनाए, कोटि कोटि बैकुंठ होते सम कहे न जाए। एक निकुंज के एक पत्ते की कांति के बराबर भगवान नारायण का बैकुंठ धाम भी नहीं, तो और के कहाँ चला गया। ये तो या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी, कृपा लाड़िली तबही करें श्री हरिवंश जुकर सिर धरे। आचार्य चरण के शरण होकर उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का निरंतर जप करते हुए वाणी जी का आश्रय लेकर श्री धाम वृंदावन की रज का सेवन किया जाए तो निकुंज कैसा ये श्री जी की कृपा से अनुभव में आ जाएगा। किसी की ताकत नहीं है कि ध्यान में धर ले या वर्णन कर ले, क्योंकि प्रेम स्वरूप निकुंज का वाणी के द्वारा वर्णन हो ही नहीं सकता। और उसकी उपमा में बैकुंठ नहीं तो फिर और प्राकृतिक लोक और वन की तो बात ही क्या है। इसलिए बस नाम जप करो और धीरे धीरे सब श्री जी समझा देंगे। ये इसमें क्या लिख के लाए हो? राधा राधा राधा, ये सबसे बड़ा सत्संग है। अब आपकी भाषा तो पता नहीं किस देश की है, हिंदी। भगवान कहे हैं कि मेरा भक्त मेरा भजन कर लो, ये तुमने लिखा है। यार बहुत तुम भाग्यशाली हुई छोटी अवस्था में भजन कर रहे हो, बढ़िया रखो फिर सत्संग लिख लिया करो। और राधा 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 नाम जपते हो कितनी देर? फिर इसके बाद क्या करते हो? सुनो, थोड़ी थोड़ी देर में राधा राधा बोल दिया करो, ठीक है? हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे राधा राधा आ गए हैं, अभी चुपचाप और याद कर लो। और गंदे बच्चों से ना मिलना, ठीक है? अलग रहना, जो तुम्हें खेल में लगाए गंदी बातों में लगाए उनसे दूरी रहना, ठीक है? मिलते तो नहीं हो, बस सावधान रहो। बड़े भाग्य यार तुम इतने छोटे बच्चे हो कि भजन की बातें। महाराज जी, क्या निकुंज में जाने के बाद लाडली जी मुझे अपनी गोद में बिठाएंगी? ए तो लाडली जी जाने कि क्या लीला है बच्चे, तो इसको अपने पास रख लो। है देखो, लाल जी श्री जी से कह रहे हैं मैं आपको